हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वे के एस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं आप लोग को फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ पे भर्ती आई हुई है उसी के बारे में रिगार्डिंग आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की पल पल के अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आना है UPSSC के तहत, तो आपको गूगल क्रोम में या फिर गूगल पे आप सबको सर्च करना होगा UPSSC, क्योंकि कितने बार लिंक मैं ऐसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट का भी और इसके PDF का भी, और इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है उसका भी लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। लेकिन कितने बार ये हो जाता है कि लिंक क्लिक करने पे आप लोग कहते हैं कि कितने बार कमेंट आता है कि ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इसको इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं UPSSC। तो यहाँ पे पहला लिंक आएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है, तो आप इस तरह से भी कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार UPI इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप डायरेक्टली मैं बताया चलता हूँ, यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन है मेनू का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका इंटरफेस खुल जाएगा। फर्स्ट लिंक ही यहाँ पे देख सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड जनरल रिक्वायरमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2019 जनरल। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये 18 तारीख को ही पब्लिक, 18 तारीख से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी, आप ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए लास्ट डेट 8 अगस्त 2019 तक है, और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ी पेमेंट करने का भी ऑप्शन आप लोगों को 8 अगस्त 2019 तक ही रखा गया है। फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट 8 अगस्त 2019 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए, और इसके आप एडवर्टाइजमेंट को कैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, यहाँ जो अप्लाई करने का ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक कीजिए, तो डायरेक्ट आप अप्लाई करने पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें क्या क्या रूल फॉलो करना है ये सब इसमें मेंशन है। तो उसके लिए आपको ये एडवर्टाइजमेंट का जो है इसको आपको क्लिक करना होगा, विजिट एडवर्टाइजमेंट, तो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर क्या एक नया इंटरफेस खुलेगा, क्लिक हेयर टू हिंदी PDF, इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपका यहाँ पे PDF इसका डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 5/2019 के तहत है। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। शुल्क जमा करने का भी 18 तारीख का डेट है और 8 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। और अगर आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो जाता है किसी भी प्रकार का, नाम में या एड्रेस में या फिर आप कुछ भी फिल किए हो उसमें गड़बड़ी हो जाता है, तो यहाँ पे 16 तारीख तक आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इसको सुधार सकते हैं, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये सब आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी देना होगा जो आपका पर्सनली, जिसको आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन आपको उसी पर दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 है, यहाँ पे जो ग्रेड पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 500 से ले वेतन बैंड जो होने वाला है 5200 से लेके 20200 तक होने वाला है। ग्रेड पे आप लोग का यहाँ पे 1900 रुपया होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बताया गया मैं आप लोग को बताते चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऐसे सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेरित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आपको करना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करें। तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए क्या क्या करना होगा, पहले कैंडिडेट को जो भी हो लड़का या लड़की कहीं से भी आप पूरे भारत में हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और फिल्म यहाँ पे देखते हैं फॉर्म के विशेष विवरण का भरा जाना, यानी जो आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगेगा वो आपको भरना होगा। फॉर्म फीस भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन भी आपको करना होगा, यानी फी पेमेंट करना होगा, और लास्ट सबमिशन करना होगा, फिर इसका उसको प्रिंट, जब आप लास्ट सबमिशन कीजिए तो उसका प्रिंटआउट भी निकलवा के रख लीजिएगा। शुरू में अगर आप मोबाइल से करें तो उसका PDF डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फिर आप किसी भी साइबर कैफे से उसका निकाल सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे, उसके बाद इंटर वेरिफिकेशन आप लोग के मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे यहाँ पे कोड जाता है। तो यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, फोटो एंड सिग्नेचर उस पर किया होना चाहिए। तो आप इसको चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखाई देना चाहिए, चेहरों के दोनों ओ किनारे दोनों कान साफ दिखते हों, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, यानी सादा आपका शीशा होना चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी हो, व्यक्तित्व तटस्थ, ये आप लोग इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर आप लोग आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी का भी उपयोग करके यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए 160 रुपये रखा गया है और 25 रुपया यहाँ पे आवेदन शुल्क प्रक्रिया शुल्क है, टोटल 185 रुपये लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 है, इसका भी 25 रुपये यहाँ पे आपका शुल्क लगेगा, टोटल 185 लगेगा। अनुसूचित जाति के लिए 70 है और यहाँ पे 25 रुपये शुल्क, टोटल मिलाकर 95 रुपये लगने वाला है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 70 रुपये फीस है और 25 रुपये यहाँ पे आप लोग का चार्ज लगेगा, प्रक्रिया शुल्क यहाँ पे 95 रुपये हो जाएगा। और विकलांगों के लिए सिर्फ प्रक्रिया शुल्क, यहाँ पे कोई आवेदन नहीं लिया जा रहा है। फिर उसका नेक्स्ट हम लोग नीचे चल कर देखेंगे आवेदन। यहाँ पे बताया गया है अगर आप जब एप्लीकेशन कीजिएगा, अगर आपको कोई गलती हुआ है तो आप उसको अगर आप संशोधित करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो जो आप मोबाइल नंबर या ईमेल दिए हैं उसी पे OTP जाएगा, तो भी आप उसको याद रखिएगा, तो भी आप वहीं से उसको फिर आप अपना कुछ भी जो गलत है उसको सुधार सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं विभाग का नाम, पदनाम, बैंड, यहाँ पे सब कुछ ये बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विभाग कार्यालय प्रधान, मुख्य वन रक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन रक्षक पे है और वन्य जीव रक्षक। तो यहाँ पे आपका जो वेतन है 52,000 से लेकर 20,200 तक होने वाला है, ग्रेड पर 1900 रुपये फ्रेंड्स होने वाला है। यहाँ पे न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, मैक्सिमम यहाँ पे 40 होना चाहिए 1 जुलाई 2019 के अनुसार। आरक्षित के लिए यहाँ पे अनारक्षित के लिए 370 पोस्ट है वन रक्षक में, अवन्य रक्षक वन्य जीव रक्षक में यहाँ पे 345 है। वहीं यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 33, नीचे में यहाँ पे आपका 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, यहाँ 2 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 132 है, नीचे में आप जीव रक्षक के लिए 2 पोस्ट है। वहीं कुल पद 596 इसमें और नीचे वाले में आपका यहाँ पे वन्य जीव रक्षक में 59 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, टोटल 655 पोस्ट पे आपका यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको जो छूट दिया जाता है वो आपको कास्ट वाइज छूट दिया जाएगा, लेकिन छूट जो लोग उत्तर प्रदेश से हों उन्हीं को यह छूट दिया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है अनिवार्य अर्हता शिक्षक के लिए शैक्षिक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अभ्यास उत्तीर्ण कर ली हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोग को पहले ही बता दिया है डिटेल में। इसके नीचे आएंगे परीक्षा से संबंधित, इसका नोटिफिकेशन आप लोग देखिएगा। यहाँ पे बताया गया है अपेक्षित शारीरिक स्वास्थ्यता के मानक में सम्मिलित ऊंचाई, वजन और सीने की माप यहाँ पे बताया गया है पुरुष के लिए यहाँ पे है। फिर इस साइड में यहाँ पे आपको महिला के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं में इधर 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। वहीं सीना यहाँ पे आप लोग का 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और यहाँ पे जो सीना फुलाने के पश्चात 82 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे बताया गया है न्यूनतम जो है 84 होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 82 होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं का वजन जो है 45 से 48 किलोग्राम होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया भी यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है, शारीरिक परीक्षा फिर होगा। इसमें चयन की प्रक्रिया में देख सकते हैं वन रक्षक एवं वन्य जीव के रक्षक पदकों के चयन पर लिखित परीक्षा यहाँ पे कर देखिएगा, लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा पर आधारित होगी जो निम्नवत है। यहाँ पे आप लोग का इंट्रक्शन नीचे दिया गया है, तो इस तरह से आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की पकड़ की खबर आप लोगों को देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।